जैसा कि पत्रिका में दिया हुआ है, बजरंग साधना जीवन में सारी समस्याओं, बाधाओं, अड़चनों, कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है और अकाल मृत्यु और मृत्यु जैसी घटनाओं के निराकरण में भी पूर्ण रूप से सहायक है। इसीलिए आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन इस प्रकार का प्रयोग जीवन का एक श्रेष्ठ प्रयोग है और वही प्रयोग मैं आपको संपन्न कराने जा रहा हूँ। आप जो साधना कर रहे हैं उस आसन में बैठ जाएं, दोनों घुटने टेक करके जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं या पैर दोनों पीछे हटा करके जैसे हनुमान बैठते हैं वैसे बैठ जाएं, इस आसन में बैठ जाएं। गणपति को स्मरण करें। ओम ब्रह्मेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय सुज्ञभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगतापिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय तीर्मा नमस्ते युद्धरूपाय करीरूपाय तीर्मा विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रिया तिलक अपने आज से अपने लाभ पर करिए। संकल्प ओम विष्णु विष्णु भाग पर जमदीपे शालिमान साके बुद्धावतारे समस्त समझने को सम्मत दो जान षट पूर्णिमायाम रात्रो सा बजरंग साधना पूर्ण सिद्धि प्राप्त काल मृत्यु निवारणार्थम मृत्यु भय निवारणार्थम पूर्ण सुख सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठान ऐश्वर्य ताम पूर्णत्व रोग रहित निरोगिता पुरुषार्थभ्यम संपर्द दे हे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुः मुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बर्मस्य इक्षां प्रणीयामि। माला की तरह गले में पहन लीजिए। अब यंत्र ये माला और माला के ऊपर यंत्र और गुटिकाएं रख दीजिए। बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से जल से स्नान करवाइए, इसको प्लास्टिक हटा दीजिए। माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिकाएं दोनों। लेफ्ट हैंड में इन साइड का हाथ लेफ्ट हाथ, दाहिने हाथ से जल से स्नान करवाइए। ओम मनुष्योत्तम मनुष्य बलिनी सो मनुष्य यदि सर्वे से बलिष मानसी यदा तत्रादु पय स्नान समर्पयामि नमः दधि स्नान समर्पयामि नमः घट स्नान समर्पयामि नमः मधु स्नान समर्पयामि नमः शर्करा स्नान समर्पयामि नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि नमः। ओम पंच दिय सरस्वती निबियन सो सरस्वती तो पंचदासो देशे गो सरिता पंचामृत स्नान समर्पयामि नमः शुद्धवाल सो शुद्धवालो मणिवालस्त आसन श्वेता श्वेता क्षोरमस्ते रुद्राय पशुपतये कृणां जावाम अवलुप्ता रौद्रम नमः सुदुस्तानं समर्पयामि नमः प्रच्छयामि। आप इसको पहुंच लीजिए। बजरंगे तुम तिलकम कृत्वा यंत्र के पर आप तिलक करिए, एक कुमकुम की बिंदी लगाइए मध्य में और दोनों गुटिकाओं पर और माला पर भी लगाइए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मिन् तस्मान् मेष निदान भव ताम बल साहस बुद्धि शौर्य तेज अदिताम प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्ण सा तुभ्यम संपर्दे इदमिदम् वा तुभ्यम संपर्दे की तरह माला गाय पूर्वा ममा पूर्ण देह रक्षायाम माल्यम समर्पयामि नमः। इस माला को गले में धारण कर लीजिए। अपने गले में माला पहन लीजिए। अब इस यंत्र पर आप चावल चढ़ाइए। ओम अक्षुन्नमिमन्दाभिर्यामनुगतस्तोकतस्वभानदोविप्रानुष्ठयामतिविक्षिन्समुद्रामाताम पुरुषाम अक्षोहिं बल शौर्य साहस तेजस्विताम बल बुद्धिष्ठाम पुरातम प्राणतिष्ठायाम कुर्यात। अब दोनों हाथों में ले लीजिए यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके। मैं प्राणतिष्ठा कर रहा हूँ
ओम दीर्घवतुस्मान ओम सदीर्घायुत्वाय बलाय वर्षशेषु प्रजास्त्वाय सहस्रामथौ जीव सर्वदासुतम पूर्णा परिपरां पतसु पूर्णा पुनरापत सर्वमूल जगुं सकृतोः ओम हुं 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 मनुमन्तये सा पूर्वा सा चिन्ते कृणार्थं रामक्षिता पूर्वाय तुष्मानं राम शेषाय पूर्णत्वं दीर्घातुष्मानं सा दीर्घा सा चिन्तां दीर्घो दीर्घो तुज्यं सा पूर्वा सा चेतं कृत्वा कल्याण कल्याणं अतोष्मानं सात ब्रह्मदेशं बोधयति पूर्णत्वं परिपूर्णायाम् अतोष्मानं सा नेति गुदलक्ष्मी शर्मा नेति पासा चिन्तामि अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना बोलिए ममा समस्त जीवन अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्ण मृत्यु भय निवारणार्थम पूर्ण जीवन प्राप्त पर्यंतम एतुष्मानम हनुमान सिद्धि प्राप्ताय बजरंग तुल्य देह वज्र रोग रहित प्राप्त ब्रह्म संपर्क देह तथा तो मंत्र मध्यात मंत्र आप लीजिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ बोले ओम रीम रूम राम हनुमन्तये फट ओम रीम रूम राम हनुमन्तये फट ओम रीम रूम राम हनुमन्तये फट। इसको प्रयोग कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ। इसको अपने घर में पूजा स्थान में रख देना है और किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। ये जो माला है इस माला से ही मंत्र जाप करना है। यंत्र रख देना है, यंत्र के सामने दो गुटिकाएं रख देनी है, लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर यंत्र और दोनों गुटिकाएं। फिर आप लाल आसन पर बैठ करके जैसे मैंने आसन बताया आपको बैठने का तरीका उस प्रकार से बैठ करके केवल तीन माला मंत्र जाप करना है और तीन दिन तक करना है। तीन माला मंत्र जाप तीन दिन तक सिर्फ मंगल बुध और गुरु शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन। शनिवार के दिन ये यंत्र और गुटिकाएं और ये माला नदी में प्रवाहित कर देनी है, मगर रोज 11 माला मंत्र जाप करना है रात्रि को तेल का दीपक लगा करके। अब चार बातें हो गई, लाल आसन बिछाना एक बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना दो, यंत्र लाल कपड़े के ऊपर यंत्र रख देना सामने गुटिका रख देना तीन बात, तेल का दिया लगा देना उसमें कोई भी तेल हो चार बात, इसी माला से मंत्र जाप करना पांच बात, और तीन दिन तक मंत्र जाप करना है 11-11 माला। चौथे दिन भी आप चाहें तो करें, मगर शनिवार के दिन ही इस यंत्र को गुटिका को इस माला को नदी में प्रवाहित करें, क्योंकि शनिवार और मंगलवार दोनों हनुमान के ही वार कहे जाते हैं। अब आप इनको नीचे रख दीजिए, उसके बाद भी जब भी विपत्ति आपके ऊपर आए तब इस माला मतलब उस मंत्र को आप जप करते रहे, मतलब एक माला या केवल 5 मिनट तक या 15 मिनट तक घर से बाहर निकले। जब भी कोई समस्या किसी प्रकार की बीमारी तकलीफ शत्रु भय समस्या कठिनाई अड़चन तो आप इस प्रकार के मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जब भी चाहें चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, कोई आसन में बैठ के जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठे ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं, बस में बैठे भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई देखे अब कोई संकट आने वाला है तो आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। ये मंत्र के लिए सिद्ध करने के लिए केवल 3 या 4 दिन बहुत हैं और उसके बाद में उसके लिए ये विधान नहीं है कि आपके जूते पहने, मतलब आप जब भी समस्या आई आप मंत्र जाप कर लें कहीं पर भी, मतलब उसके बाद में पहले सिद्ध करना जरूरी है और सिद्ध करने के लिए 3 दिन ये आवश्यक हैं या 4 दिन कर लीजिए, मंगल बुध गुरु शुक्र बस।